Role of oils. Ayurveda is known for oils. What is the role of oils for hair loss? देखिए ऑयल जो है वो करेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बिकॉज वो ऑयल आपको नरिशमेंट देता है. ये आप वो ऑयल में डॉक्टर चंचल सॉरी टू इंटरप्ट, ये आप लोकल ऑयल की बात कर रही हैं खाने वाले ऑयल की बात कर रही हैं? नो, हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं. अच्छा, तो जो ऑयल हम हेड पर मसाज करना जो आज के टाइम में हम बिल्कुल भूल चुके हैं, और जो वो ऑयल आपके हेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑयल एप्लीकेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है. जो मैंने अभी बात की थी कि वात प्रकोप होता है, फ्लैकी स्केल हो जाता है हमारा, या ऑयल हेयर्स ब्रिटल हो जाते हैं, तो जब हम बहुत अच्छे से ऑयल मसाज करते हैं तो वो जो आयुर्वेदिक ऑयल्स हैं वो वात और पित्त को शांत करते हैं. आपके हेयर फॉलिकल्स में रूट के थ्रू वो अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और वहां पर ब्लड सर्कुलेशन को एनहेंस करते हैं, तो आपका हेयर फॉल कंट्रोल होता है. साथ में ही ऑयल का इंटरनल इंटेक भी एक दिन में एटलीस्ट 1 टीस्पून, अगर जैसे बारिश का सीजन अभी आ रहा है तो उस टाइम पर भी होना चाहिए, क्योंकि ऑयल वात शमन करता है. तो जिन भी केसेस में ब्रिटल ऑयल ब्रिटल हेयर्स रहते हैं, या स्केली स्किन रहती है, या फ्लेकी स्किन रहती है, और ड्राई रहते हैं हेयर्स, ऐसे केसेस में आपको ऑयल अप्लाई करना चाहिए. और ऑयल ज्यादातर जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो ऐसा बताते हैं कि जिस दिन हमें हेड वॉश करना है और डे बिफोर नाइट दे अप्लाई ऑयल, तो उससे क्या होता है कि जो भी पॉलिटेंट्स ऑलरेडी आपकी स्काल्प पे हैं, उसी पर जब आप ऑयल अच्छे से अप्लाई करते हैं तो जो भी पॉलिटेंट्स या जो भी बैक्टीरिया जो भी चीजें वहां पर हैं वो स्काल्प के अंदर जाती हैं, तो उससे और ज्यादा प्रॉब्लम एग्रीवेट होती है. तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि हेयर पे जब भी आपको ऑयल अप्लाई करना है, आप उसके बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, तो हेड वॉश कीजिए, स्काल्प एकदम क्लीन होनी चाहिए, और उसके बाद आप हेयर पे ऑयल अप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे. अदरवाइज तो जितना डस्ट पार्टिकल्स जो सब हेयर में जमा हुआ है स्काल्प पे, वो सब और अंदर जाके हमें लॉस ही करेगा.